जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि VSSC टेक्नीशियन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल लिंक है जहां से आपको अप्लाई करना है। मैं ये लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर देखोगे कि आपकी टेक्नीशियन अप्रेंटिस की वैकेंसी निकाली है जिसमें कि अप्लाई करने के लिए आपसे डिप्लोमा की योग्यता मांगी है उसी डिसिप्लिन में जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई करना चाहते हो। यहां पर दोस्तों आपके डिप्लोमा के अंदर कम से कम 60% होने चाहिए। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आप ये जान लीजिए कि इसमें जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा केरला तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना एंड पुडुचेरी बेस्ड जो इंस्टीट्यूट है वहां से किया है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट इन स्टेट से बिलोंग करते हैं वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बाकी की जो स्टेट है वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पर आप जो आपकी डिसिप्लिन वाइज वैकेंसी डिटेल है वो देख लीजिए और जो आपके टोटल वैकेंसी है वो 158 है। इस पर आपको 8,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाएगा। इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो 30 साल रखी है जो कि 4/8/2021 तक काउंट की जाएगी। इसमें इसके अलावा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग ओबीसी को 3 साल की छूट और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो आप लोग ये फॉर्म 26 जुलाई 2021 से लेकर के 4 अगस्त 2021 तक भर पाओगे। अब यहां पर आपको पूरी जानकारी मालूम हो चुकी है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। तो अप्लाई कैसे करना है वो आप जान लीजिए। आपको यहीं पर इस पर अप्लाई का लिंक देखने को मिल पा रहा है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा जहां पर सबसे पहले ये पूछा कि आपने कौन से स्टेट से अपना डिप्लोमा प्राप्त किया है, वही स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अदर सिलेक्ट करोगे तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। इसके बाद वेदर एक्वायर्ड डिप्लोमा आफ्टर अक्टूबर 2018 यानी कि जो कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने अपना डिप्लोमा 2018 के बाद पास किया हो तभी वो एलिजिबल हो पाएंगे। तो चलिए हम यहां पर यस कर देते हैं। क्या आपने अपना डिप्लोमा फर्स्ट क्लास के साथ पास किया? फर्स्ट क्लास से मतलब है कि आपके डिप्लोमा का जो क्वालिफिकेशन है उसमें कम से कम 60% होने चाहिए, उससे कम होगे तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो हम यहां पर यस कर देते हैं। फिर वेदर हैविंग 1 ईयर और मोर एक्सपीरियंस, क्या आपके पास रिलीवेंट डिसिप्लिन में जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें 1 साल का एक्सपीरियंस या उससे ज्यादा है? अगर है तो यस कीजिए, नहीं तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। तो हमने यहां पर नो कर दिया। इसके बाद हम सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर दोस्तों आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा जो कि इस प्रकार का है। अब यहां पर आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप करना है। फिर यहां पर पोजीशन नंबर यानी कि आप कौन से डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हो आप यहां पर देख लीजिए कि आपका कौन सा डिसिप्लिन है और आपको किस में अप्लाई करना है। तो चलिए हम यहां पर आते हैं और हम वही डिसिप्लिन सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको अपनी ईमेल आईडी का एड्रेस एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद नीचे यहां पर आपको जो कैप्चा कोड देखने को मिल पा रहा है कैप्चा कोड यहां पर फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी। अगर आपको ईमेल इनबॉक्स के अंदर नहीं देखने को मिल पा रही है तो आपको इस स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लेना है। उस ईमेल आईडी को जब आप ओपन करेंगे तो वहां पर आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, ये लिंक आपको यहां पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपकी ईमेल आईडी बेसिकली वेरीफाई हो चुकी है। अब आपको बोला जा रहा है कि डॉक्यूमेंट टाइप, आपको यहां पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहां पर दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट का मिनिमम साइज 809 KB है, सॉरी मैक्सिमम साइज 800 KB है। तो आपका डॉक्यूमेंट का साइज 800 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको बोला है कि स्कैन कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज ए सिंगल PDF यानी कि जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो, कॉन्सुलेटेड मार्कशीट है वो, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन इफ एप्लीकेबल अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, अगर आप SC ST या OBC कैंडिडेट हो तो उसके सर्टिफिकेट, इसके अलावा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप हो तो बेसिकली जो भी डॉक्यूमेंट्स इनमें से आपके ऊपर एप्लीकेबल है उनको आपको एक PDF फाइल के रूप में कन्वर्ट करके यहां पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। जो आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट है और जो कॉन्सुलेटेड मार्कशीट है ये तो आपको अपलोड करनी होगी अगर आप जनरल कैंडिडेट से हो, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसको अपलोड करने की। तो यहां पर जब आपकी PDF क्रिएट हो जाए आपको यहां पर इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद नीचे आपको अपलोड एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके
करके यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पर ये जो आपकी फाइल है वो अपलोड हो जाएगी और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का मैक्सिमम साइज 30 KB रखा है, तो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, बट आपको बोला है कि जो आपके फोटो का डायमेंशन है वो 150 वाइड और 200 हाइट का होना चाहिए। तो ऐसा ही आपको इमेज यहाँ पर क्रिएट करके अपलोड करना है। इसके बाद यहां पर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, इसका साइज भी 30 KB रखा है। जैसे ही आपके दोनों यहां पर अपलोड हो जाए तो आपको अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर दोस्तों आपके सामने आपकी पर्सनल डिटेल फिलअप करने का ऑप्शन आ जाएगा। आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार भरना है। यहां पर आपको अपना फादर नेम एंटर करना है। आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। क्या आप विकलांग हो? अगर इनमें से आपकी कोई कैटेगरी है विकलांग के अंदर तो सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो नोट एप्लीकेबल चूज कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है और नेशनलिटी में आपको इंडियन ही रहने देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपके सामने कॉन्टैक्ट की जानकारी आ जाएगी, तो जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 का इस्तेमाल भी कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नीचे आपको अपनी सिटी का नाम एंटर करना है, जो भी आपकी सिटी है। फिर यहाँ से आपको अपनी सिटी का पिन कोड एंटर कर देना है। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। और यहाँ पर दोस्तों आपसे पूछा कि क्या आपका जो कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है वो सेम है, अगर है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम भी आपको देना होगा। ये देने के बाद आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी दी जा रही है। तो आपने 10वीं कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो आपको सिलेक्ट करना है। बोर्ड आपका कौन सा था वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपके नंबर परसेंटेज के अंदर थे या फिर CGPA के वो आपको चूज करना है। अगर परसेंटेज आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया तो आपको यहाँ पर कितने नंबर आए थे वो आपको एंटर करना है और कितने में से आए थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। इसके बाद डिप्लोमा की जानकारी देनी है, तो डिसिप्लिन में आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। मैकेनिकल कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर आपने पास की थी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड आपका कौन सा था, कौन के कौन सी स्टेट से आपने अपनी जो डिप्लोमा है वो की है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है वो चूज कर लेनी है, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पर बोला है कि नेम ऑफ द डिप्लोमा एज इन सर्टिफिकेट, यानी कि सर्टिफिकेट में आपका डिप्लोमा का क्या नाम है वो यहाँ पर आपको दे देना है। ए पर्सन विद डिप्लोमा इन मैकेनिकल सेल राइट डिप्लोमा इन मैकेनिकल, यानी कि आपको यहाँ पर इस प्रकार से डिप्लोमा इन मैकेनिकल ये एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको अपने नंबर की जानकारी देनी है कि किसके अंदर है, और इसी प्रकार से आपको नंबर फिलअप कर देने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं और आपकी क्लास आपको चूज कर लेनी है। ये सब जानकारी भरने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस की जानकारी आ रही है, तो आपको यहाँ पर 00 सिलेक्ट कर लेना है अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। फिर आपसे पूछा कि क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, क्या आप कभी किसी केस में अरेस्ट किए गए थे। अगर हाँ तो यहाँ पर आपको यस करना है, नहीं तो नो कर देना है। अगर आप यहाँ पर यस कर रहे हो तो आपको उसके बारे में जानकारी देनी होगी। अगला सवाल आपसे पूछा कि डू यू एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको यहाँ पर यस कर देना है। और यस करने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है इनको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए और श्योर होकर के नीचे आपको कन्फर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले पाएंगे। और अगर आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहते या प्रिंट लेना चाहते तो जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहीं पर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एंटर करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस जान सकते हो। तो ये थी आपकी VSSC अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।